कैमरा नहीं स्टार्ट हुआ। हेलो आइडल जो पता चल जाता है कि विड्थ सही से फिट हो रही है तो ये फिट हो जाता है, तो मुझे बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके लिए परफेक्ट है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपको आदत नहीं है, वो वहाँ पे आदत होती है, आप पहले ही कर देते हो। हाँ जी, जय हिंद। आज आए नहीं आप? जय श्री राधे कृष्णा। ओके, नोट्स आई थिंक मिले नहीं हैं अभी आपको, चलिए कोई बात नहीं, इसके थ्रू हो जाएगा आपका, आराम से इसके थ्रू हम कर लेंगे। आई थिंक अपलोड तो हो गए होंगे। हाँ जी, हेलो नूपुर। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन में सभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आपको एक लिस्ट मिली थी वो इम्पोर्टेंट स्कीम, महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो कि पिछले साल की थी, एक साल की रही थी। इस बार की जो आपको ये वाला फाइल मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगी अप्रैल 2020 से 22 से लेकर नवंबर 2022 तक की जो भी स्कीम होगी। ठीक है, मेरा आवाज, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे कल रात से फीवर हो रखा है, तो इस वजह से, इसलिए मेरी एनर्जी भी लो है, आवाज़ भी अजीब हो रखी है। मतलब दवाई लेके चल रही हूँ, पर हाँ वो है कि इस टाइम पे छुट्टी नहीं ले सकती आपका, फिर वो लॉस हो जाएगा, वो घिस जाएगा आगे, टाइम आगे चला जाएगा, तो इस वजह से जैसी एनर्जी है उसी के साथ आप भी कोशिश करना कि आप अच्छे से कर पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है, सो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला हमारा विद्युत मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहते हैं, उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक की सारी स्कीम है। कैसे किया हुआ है, मैंने हर मंत्रालय का उसके अंदर जो न्यूज़ में रही है, जैसे क पार्ट हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ठीक है, ऐसे दूसरा स्टार्ट हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके अंदर जो आए हैं, तो ऐसे पूरा लिस्ट मेंटेन मैंने किया हुआ है। उसके बाद कुछ आपको 27 से 28 स्कीम ऐसी हैं जो कि किसी एक मंत्रालय के अंडर आई है या कोई मंत्रालय के अंडर नहीं है, वो आगे पीछे हुई हैं, इस वजह से मिसलेनियस मीन्स अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं करके मैंने उसमें वो डाल दी हैं सारी, तो आपको ऐसे लिस्ट वाइज याद करने में आसान हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी मिनिस्ट्री होगी, जैसे कि मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि विद्युत मंत्रालय में हो, क्योंकि आप हर बार नहीं ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, क्योंकि रट्टा आप लगा नहीं सकते हो, तो इसलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक योजना होगी उस स्कीम में है तो उसका जो नेचर है वो कैसा होता होगा। ठीक है, सो वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम बात करें विद्युत मंत्रालय, तो उसमें सबसे पहली जो स्कीम आती है वो आती है शक्ति, और शक्ति ऐसे ही आप लिखना, SHAKTI, क्यों, क्योंकि शक्ति से जो इसका मीनिंग बना है वो है स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, कि कोयला को हम, हाँ, जो कोयला है, जो कोल है, उसको हम बहुत ही पारदर्शी तरीके से उसका आवंटन करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उससे पहले अगर हम बात करें तो ईंधन आपूर्ति समझौता होता था, जिसे हम कहते हैं क्या, FSA मींस फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं ईंधन आपूर्ति समझौता। अब ये FSA होता क्या है, FSA में, हाँ एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, ये बता दीजिए मुझे, ऑनलाइन में अपलोड है ना नोट्स? एक मिनट रुक जाइए बस आप।
लगेगा प्रिंट आने में, तो तब तक क्या करना होगा, तब तक आप स्कीम लिखते जाइए, एंड स्कीम में जो मैं अलग से लिखवा रही हूँ वो ऐसे करके ये वाला स्कीम के अंडर लिखना, ऐसे लिखते चले जाइए, और बाद में जब नोट्स मिलेंगे उसमें आप ऐड ऑन करते जाना। ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगी, थोड़ा बहुत ही है, वो आप ऐड ऑन करते जाइए। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको बता रही थी FSA जो कि क्या है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। जिसे हम कहते हैं क्या, ईंधन आपूर्ति समझौता। अब ये FSA है क्या, इस समझौते में कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को साथ समझौता करती है कि ये ए पार्टी जो कोयला है उसकी निरंतर आपूर्ति करती रहेगी किसे, बी पार्टी को। तो ये एक आपूर्ति समझौता होता है, एंड इसमें क्या होता है, इसमें पारदर्शिता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बोल दिया गया है कि ए वो लगातार आपूर्ति करती रहेगी किसे, बी को, तो वो लगातार चलता रहता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज नहीं किया जाता और बस इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो इसमें क्या माना जाता है कि यहाँ पारदर्शिता नहीं है। अब जब हम लेकर आएंगे किसको, शक्ति को, तो वो शक्ति के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम FSA को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो अगर शब्द आ जाता है पूर्णतः समाप्त कर देना, तो हम पूर्णतः समाप्त करेंगे किसे, FSA को। अब कोई भी दो पार्टी अपने आपस में समझौता नहीं करेंगी, एंड समझौते के आधार पर ये निरंतर एक समय के लिए ऐसे नहीं करेगा कि ए हर बार बस बी को आपूर्ति किया जा रहा है। अगर बी को कोयला चाहिए तो वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हर बार आवंटन करवाएंगे, एंड उससे क्या हो जाएगा, जो सही दाम पर दे रहा होगा या जो सही मात्रा में दे रहा होगा उसी के साथ जो है समझौता होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये किया जाएगा। अब ये जो स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की गई थी, इससे क्या किया जाएगा, सिर्फ ये कि पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ जो है तरीके से जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनको कोयला जो है सुनिश्चित करवाया जाएगा। तो अब अगर पूछा जाए आपसे कि जो शक्ति स्कीम है वो किसके लिए लाई गई है, तो वो ताप विद्युत संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कि बिजली बनाते हैं, तो वो बिजली बनाते हैं वो कोयले के साथ बनाते हैं, तो उनके लिए ये किया जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, जो शक्ति ऐप है ये, वही मैंने आपको बताया FSA को तो ये पूर्णतः समाप्त कर देगा, उसके बाद एक पारदर्शी तरीके से एक प्रतिसंपर्धी जैसे कि कॉम्पिटिटिव जो है तरीके से कोयले का आवंटन करेगा। अब जब बोला गया है कि इनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रतिस्पर्धा, एक मान लीजिए कि मुझे कोयला चाहिए, मैं एक ताप विद्युत संयंत्र हूँ और मुझे कोयला चाहिए, और कोयला देने वाले जो हैं आप तीन हो, तो अब मान लीजिए कि ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपये में दूंगा, आप बोल रहे हो 150 में दूंगा, आप बोल रहे हो मैं 80 में दूंगा, अच्छा 500 में, ठीक है, सो आप बोल रहे हो 500 में दोगे, तो इतना महंगा होगा तो मैं लूंगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो सस्ता है जो कि 100 में है, मैं वो लेना पसंद करूंगी। अब सस्ते के साथ साथ क्वालिटी गुणवत्ता जो है उसका भी ध्यान दे, तो हाँ सो गुणवत्ता के आधार पर जो है ये मैं बनाऊंगी, तो उसी के तरीके से ये किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो शक्ति न्यूज है, शक्ति स्कीम है, ये 2018 में लॉन्च की गई थी, तो अब क्या रहा कि ये आपको अब पढ़नी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि ये न्यूज में रही थी। न्यूज में ये क्यों रही थी, क्योंकि हाल ही में जो शक्ति है उसके तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की गई है कि अब हमें क्या करना है, 4500 मेगावाट 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद करनी है, सो उस खरीद के लिए अभी हाल फिलहाल में कोयला आवंटन की ज़रूरत है। इस वजह से ये स्कीम अब न्यूज़ में रही है। तो अगर आ जाता है कितना मेगावाट, 4500 मेगावाट का। अब इसमें नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी किसे बोला जाता है, नोडल एजेंसी बोला जाता है जो कि इसकी महत्वपूर्ण एजेंसी होती है, जिसके द्वारा ये
एक्चुअली में काम में लाया जाता है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, मालूका सर, क्यों? क्योंकि एमडी को ये डिसीजन होगा, उनकी तरफ से होगा। ऐसे ही जो इसको काम करवाती है उसे बोलते हैं नोडल एजेंसी, और इसे हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कि इसके थ्रू जो है वो काम किया जाएगा, तो इसे हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बोलते हैं। ये कौन है? ये इसके लिए हम बोलते हैं PFC, जो कि है पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, PFC, पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर मीन्स विद्युत मंत्रालय उसके अंडर आती है कोई योजना, तो उस योजना में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री मंत्रालय खुद से कुछ काम करता नहीं है, उसके अपने नीचे बंदे होते हैं काम करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कोई भी जो योजना होगी वो किसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस कौन उसमें नोडल एजेंसी होगा, तो हर किसी में देखना आपको PFC ही देखने को मिलेगा। अब अगर आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, बिल्कुल है, उसमें भी आ जाए कि PFC पावर जो फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है उसके थ्रू हो रहा है, तो उसके थ्रू भी होगा। PFC के पास ये पावर है कि अगर उसे वित्त से संबंधित देख रेख करनी है तो वो भी कर सकता है ये, क्यों? क्योंकि इसका नाम है पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। और अगर इसे वैसी तकनीकी जो है कोई देख रेख करनी है या उनका देखभाल करनी है कि किस तरीके से हो रहा है, तो ये वो भी काम कर सकता है, तो इसको ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास रहती है। नेक्स्ट जो स्कीम आ जाती है हमारी, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। सो ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, एंड कैसी है? ओपन एक्सेस है, ठीक है। सो ओपन एक्सेस मैं एक बार आपको बता देती हूँ, अब ये रहने वाला है पहला बिजली मंत्रालय से, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा। पहला क्यों? क्योंकि ये क्या है, किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। सो ग्रीन एनर्जी भी क्या बनाती है? बिजली बनाती है, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो रहेगी, पर जो ये ग्रीन एनर्जी है क्या? ये एनर्जी, तो इसीलिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो भी इसका एक पार्ट रहने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है कि हरित शक्ति हमें पारदर्शी तरीके से पहुँचानी है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी कंज्यूमर मतलब कोई भी उपभोक्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको अच्छे से मार्क करके रख लेना है। कोई भी उपभोक्ता मतलब कोई भी, आप मैं कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कि इसमें जो बिजनेस वाले होंगे उपभोक्ता वही होंगे जो बिजली का उपभोग कर रहा है, तो कोई भी उपभोक्ता जिसके पास 100 किलोवाट या उससे अधिक का कनेक्टेड लोड है, 100 किलोवाट या उससे अधिकतम जो है कनेक्टेड लोड है, वो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन संयंत्र से खुली, ओपन एक्सेस बोला था, ओपन एक्सेस का मतलब होता है खुली पहुंच, सो खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पहला कोई भी उपभोक्ता, दूसरा 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला, वो किसी भी पास के जो भी उनका नवीकरणीय संयंत्र होगा वहाँ पर खुले तौर से खुली पहुँच के आधार पर वहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है बिना भेदभाव के, गैर भेदभाव जो है पूर्ण पहुँच के थ्रू जो है वो कर सकता है। ध्यान बस क्या देना है, कोई भी उपभोक्ता एंड 100 किलोवाट या उससे अधिकतम जो है कनेक्टेड लोड उनके पास हो। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है RDSS, RDSS means Revamp Distribution Sector Scheme, और ये पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, ये क्या है? ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम जो डिस्कॉम होती है ना, डिस्कॉम का काम क्या होता है? बिजली को ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिस्ट्रीब्यूट करना। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड कोई भी जो काम करना होता है तो वो उसके अंडर कौन करके देता है? PFC, जो कि क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके साथ साथ जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है
जिसको हम कहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एजेंसी, तो ये जो कमीशन बनाया जाएगा REC ये और PFC ये दोनों मिलकर इसको जो है प्रारूप दे रही हैं, दोनों मिलकर इसका काम कर रही हैं। अब इसमें किया क्या जाएगा, इसमें ये है कि हम बिजली विभागों की जो परिचालन क्षमता है या वित्तीय स्थिरता है उसमें सुधार लाना चाहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, सो ग्रामीण क्षेत्रों तक हमें ये बिजली पहुँचानी है, ठीक है, सो हम पहुँचाएंगे। मुझे बता दीजिए कि क्या प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की जो कि निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की में ये जो डिस्कॉम कंपनी है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? चलिए, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है वो तो है ही, दूसरा चलिए फंड प्राइवेट के पास कभी कम होते नहीं है, वो तो अरेंज कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ बिजली की चोरी बहुत अधिक मात्रा में होती है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि बिजली विभाग जो है या डिस्कॉम जो कंपनी है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक बिजली को पहुँचाए, परंतु इस योजना में हमने प्राइवेट जो है निजी क्षेत्र की डिस्कॉम कंपनीज उनको बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर अधिक भार नहीं डालना चाहते, जिससे क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अब मुझे बताइए कि जो हमारा बिजली मंत्रालय है वो लॉस में जाता है कि प्रॉफिट में? लॉस में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एक तो हमारी जो नीतियाँ हैं वो सही नहीं है, उनको माफ़ करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। अभी दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। तो इस वजह से, हाँ जी, इस वजह से निजी क्षेत्र की डिस्कॉम जो कंपनीज हैं उनको इसमें से बाहर निकाल दिया गया है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण क्या रहा है, महत्वपूर्ण ये रहा है कि यह जो पूर्व योग्यता मापदंडों हैं उनको पूरा करने के लिए और जो बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो आपूर्ति है उसको मजबूत करना चाहता है। तो ये क्या चाहते हैं कि हमें अगर आधारभूत संरचना को हमें मजबूत बनाना है तो उसके लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान करें। अब वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमारे पास कौन है? हमारे पास है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। बहुत अच्छा। सो विषय वस्तु क्या रहने वाली है? विषय वस्तु ये रहने वाली है कि यहाँ पर हम इसके साथ साथ बाकी की जो स्कीम है उनको भी हम एक साथ में लेकर चलेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMDP। अब उसे ये कब आया था? 2015 में आया था। उसके साथ साथ IPDS, जिसमें क्या किया जाता है, एक एकीकृत बिजली विकास की जाती है। IPDMS मीन्स कि इंटीग्रेटेड जो है, यहाँ पर पावर को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो इन सब योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, पहला है प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम, दूसरा है एकीकृत बिजली विकास योजना, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये तीन जो है योजनाओं को हम साथ मिलाकर चल रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक रूल क्या माना जाता है जब भी योजनाएं कर रहे हैं, तो योजना में जो भी लिखा हुआ होता है वो जैसे लिखा है वैसे ही आपको याद करने की ज़रूरत होती है। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते, ना ही कुछ घटा सकते हो। मतलब वहाँ आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ इस स्कीम में ये भी हुआ होगा, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसा है जो है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया ये आपका। तो एक बार आप ये तीनों पढ़ लीजिए, आंखों के सामने निकाल दीजिए एक बार इनको, एंड इसके बाद हम अगला अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। या अपने यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं?
क्या कर रहे हैं, वो किसी भी जो नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र हैं वहां से बिजली ले सकते हैं, वहां से बिजली के लिए मांग कर सकते हैं। ये स्कीम का संक्षेप में, पहली स्कीम है शक्ति। शक्ति से हमारा मतलब है कि शक्ति से हमारा मतलब है कि हम कोयला पारदर्शी तरीके से आवंटन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोयले का अब बहुत जो है, जैसे कि अगर किसी मंत्रालय ने किसी एक को ये दे दिया है कि आपको परमिशन मिल जाती है, आप कोयला जो है खदान में से आप खनन कर सकते हो कोयले का, तो चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। तो वो बेसिकली इसमें होगा कि ये पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए कि अगर आप कोयला किसी से ले रहे हो तो क्या जिससे ले रहे हो उसके पास राइट था कोयले का खनन करने का, और अगर था, हाँ, और अगर था तो वो सही तरीके से कर रहा हो, ये ना हो अधिक मात्रा में कर रहा है, तो ये सब कुछ जो है रहने वाला। और दो में हमने पाया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। मतलब इससे क्या अनुमान लग रहा है? अभी भी देखिए होगा, अभी भी होगा, क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्कीम जो है ये कार्यरत हो, अभी कर भी रही होगी कि नहीं कर रही होगी, तो उस पे हम बात नहीं कर सकते। अब एक और बात आप हम ध्यान रखिएगा कि ये जो शक्ति स्कीम है विद्युत मंत्रालय की, ऐसे ही जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है ना, उसके अंदर भी एक और स्कीम आएगी जिसका नाम होगा मिशन शक्ति। नहीं, इसके आगे भी अगर मिशन लगा देते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, शब्द का फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि उन्होंने तो ऑप्शन में दोनों ही डाल दिया, अगर तो दोनों में से ये पाना कि एक स्टेटमेंट सही होगी दूसरी गलती होगी, ये नहीं है कि दोनों का वो ऐसे कर देंगे कि आप ये भी ठीक कर सको कि पावर के अंडर है और वो भी ठीक सको कर सको कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर है। जब अभी मैं वो करवाऊंगी ना तब बताऊंगी आपको कि कैसे उसमें दोनों में अंतर आपको करना है। पर ये शब्द में मत जाना आप कि अगर खाली शक्ति हुआ तो पावर है, मिशन हुआ तो वो वुमेन है, वो नहीं है, अंदर पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसकी जो पहली स्कीम आती है वो आती है उन्नति। अब मुझे ये बता दीजिए आपकी उन्नति कैसे होगी? अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक मनुष्य की, या एक अगर इस टाइम पर उन्नति की बात की जाती है तो उन्नति का हमारा जो सीधा शब्द आता है वो आता है रोजगार से। अब आप क्लास 8 से 9 में गए, 12 से आप कॉलेज में गए, क्या आप क्लासेस आपकी बढ़ती जाती है उसे आप अपनी उन्नति बोलोगे? नहीं। अगर आपको एक जॉब रोजगार मिल गया है और उसी रोजगार पर आप ऊपर उससे ऊपर जा रहे हैं तो क्या आप उसे उन्नति बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। तो इसका मतलब जो ये मिशन उन्नति है ये किससे रिलेटेड होगा? ये उन्नति से रिलेटेड ये होगा जॉब। और किसको उन्नति मिलती है जॉब पर? जिसके अंदर कुशलता हो। सो इस वजह से उन्नति को आप याद रखोगे क्या? उन्नति है आपका कौशल से संबंधित। तो यहाँ ये इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? आप ये इसको ऐसे याद रखोगे कि कोविड जो है वो आ गया था 19-20 में, तो कोविड में खाली समय में बैठे बैठे दिमाग चल पड़ा एंड तब आपने घर बैठे बैठे अपने अंदर कुशलता भर ली। इस वजह से 2020 लॉकडाउन खुलते ही किसके ऊपर ध्यान दिया गया? फिर ध्यान दिया गया कि कुशलता के ऊपर, उन्नति। सो इस योजना के लिए पूरा का पूरा जो भी खर्च होने वाला है वो केंद्र सरकार देगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं पहले अपना ही भला कर लूँ। तो इसीलिए केंद्र सरकार कहती है मुझे तो करना ही है सबका भला, मैंने तो ठेका उठाया ही हुआ है। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है वो करती है। अब उद्देश्य क्या है, जो भी मनरेगा के श्रमिक हैं उनके बीच में कौशल का उन्नयन करना है ताकि आंशिक रोजगार से उन्हें पूर्ण रोजगार मिल जाए। अब अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में उन्हें 100 दिनों की रोजगार दिया जाता है। तो अगर एक साल में 365 दिन है तो उसमें से मनरेगा कितने दिनों की गारंटी लेता है, 100 दिनों की। जो कोविड है उसके टाइम पर इसकी जो लिमिट है बढ़ाकर 150 कर दी गई थी, परंतु अब वापस से इसको 100 कर दिया गया है। तो उसके आधार पर अगर हम माने तो ये बात निकल कर आती है कि वहाँ आंशिक रूप से रोजगार मिलता है, क्यों, क्योंकि 365 दिनों में से 100 की वो गारंटी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं, अब एक और बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो वहाँ कैसा काम करना होता है, स्किल बेस्ड करना होता है या अनस्किल करना होता है। अनस्किल जो है वहाँ पे करना होता है, तो अनस्किल करना होता है, तो इसका मतलब ये है कि अनस्किल्ड है तो वो आपका कौशल से रिलेटेड नहीं होगा, वो तो आप ऐसे ही बिना मुंह धोए ऐसे ही उठ के चले जाओ वहाँ फिर भी वो काम दे देंगे, ठीक है, वो तो नॉर्मल हो जाएगा। सो इस वजह से यहाँ हम ध्यान क्या देंगे कि आंशिक से पूर्ण बन जाए। पूर्ण कब बनेगा, अगर उनमें कौशल होगा। अब ये कैसे काम करेगा, इसमें जो ग्रामीण कौशल प्रभाग है वो मनरेगा योजना के साथ उसकी निगरानी रखेगा, तो उसके थ्रू किया जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है उन्नति एक शब्द में, उन्नति एक शब्द में कि कौशल मनरेगा के अंदर कौशल उनमें लाना है जिससे कि हम उनकी जो आंशिक रोजगार है उससे बढ़ाकर उसको पूर्ण रोजगार हम कर दें। हाँ जी, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है क्या, मनरेगा। मनरेगा ये कब कब आया था, 2005 में। सो 2005 में ये आया था, कौन से एक्ट के थ्रू आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर आपसे आ जाए, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि ग्रामीण है, रूरल है कि अर्बन है, ठीक है, रूरल है कि अर्बन है। इसका उद्देश्य क्या है कि हाँ तो वही तो कि नहीं आ, मैं देखना पड़ेगा आपको कि ये रूरल दिया है शब्द की अर्बन दिया है, तो ये रूरल है, ठीक है। अब 2005 जो भी वयस्क सदस्य होते हैं उन्हें ये 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। सो अब यहाँ सवाल उठता है वो वयस्क कौन होंगे। वो वयस्क पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी हम ये अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हमें आपको रोजगार देना है। दूसरा, आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उससे कम है तो हम नहीं देना चाहेंगे। एंड आप जो है स्थानीय परिवार का हिस्सा होने चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कोई, क्योंकि ये किसके थ्रू काम करेगा, ये ग्राम सभा जो होती है उसके थ्रू, उसके द्वारा ये काम करता है, तो वहाँ उस ग्रामीण इलाके में, उस ग्राम पंचायत में जो है आप जो है वो उसका हिस्सा होने चाहिए, तभी आप वहाँ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि जो आपका ग्राम सभा है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे 50% तक का कार्य जो है वो निष्पादन करवाना है। जो आवेदक है, मान लीजिए कि आप करना चाहते हो रोजगार, तो जो आवेदक है वो अकुशल श्रम करने के लिए क्या दिखा रहा हो, अपनी स्वेच्छा दिखा रहा हो, कि आप पकड़ के किसी को ही नहीं बोल सकते कि आइए चलिए मनरेगा के अंडर काम करिए। अब इंग्लिश मीडियम क्लास में मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, जो कि आप मेहनत कर रहे हो बन ही जाओगे, तो उसके बाद अगर आप किसी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनते हो, क्यों, क्योंकि मनरेगा का जो भी पैसा आता है वो IAS ऑफिसर के पास आता है एंड उसे उसका आवंटन करना होता है, और जितनी धांधली होती है, जितना आप अपनी जेब भर सकते हो वो आप सिर्फ मनरेगा से ही भर सकते हो, समझ रहे हो आप।
मनरेगा से ही, क्यों? क्योंकि मनरेगा का अगर मैं वैसे बोलूं तो 70,000 करोड़, 68,000 करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के लिए ही आवंटित किए जाते हैं। बजट में इतना इतना पैसा जो है कर दिया जाता है। ये जस्ट मैं आपको एक अनुमान दे रही हूँ। इसमें से अगर आपने शांति से 200 करोड़ भी खिसका लिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताइए? नहीं, बढ़िया। आप बढ़िया, आपका जो बेड होगा उसके नीचे आपने पूरा सिर्फ पैसा ही पैसा, आपको गद्दे की जरूरत ही नहीं है, पैसों की गड्डी जो है आपने रखी हुई है उसी पे आपका बिस्तर बना हुआ है। नहीं, पता क्या होता है? अरे मैं बात वैसे बता रही हूँ आपको, जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे ना, उस टाइम पर ना चाहकर भी आप कितनी ही योजनाओं का हिस्सा बनोगे जिसमें आपका पैसों का हिस्सा आ रहा होगा ऑटोमेटिकली। अब अगर आप बोल देते हो कि नहीं हम तो नहीं करेंगे करप्शन, तो आज के टाइम पीरियड में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो कि कंप्लीट करप्शन ना कर रहा हो, छोटे या बड़े। पर पता है क्या होता है, ये कहने की बात होती है, अगर आपको एक गाड़ी मिली हुई है एंड उस गाड़ी से आप, मतलब जो सरकारी गाड़ी मिली हुई है उस गाड़ी से आप अपने घर का भी काम कर रहे हो, तो वो जो पेट्रोल डलवा रही है वो भारत सरकार डलवा रही है, उससे आपका घर का काम भी हो रहा है जो कि आपको पता नहीं चलता कब होता है कब नहीं होता, क्यों? क्योंकि इतनी जो सीमाएं हैं आप नहीं बांध के रख सकते हो, तो वो भी एक करप्शन का हिस्सा है। और भारत सरकार जो भी आपको सुविधाएं देती हैं वो सुविधाएं आपके घर वाले भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी एक करप्शन का हिस्सा है। मान लीजिए ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ और मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने पेन लिया, पेन लेके मैंने गलती से वो मेरे बैग में चला गया, फिर वो मैंने कहा एक पेन ही तो है, मैंने अपना घर पे रख लिया एंड मैं उसको यूज कर रही हूँ घर पे, तो वो भी एक करप्शन है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम नहीं अलग कर पा रहे हैं, और ये तो सिर्फ मैंने छोटा बताया है। जब आप सिस्टम में एक बार घुस जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां आप मना करके नहीं चल सकते हो, आप खुद से नहीं मांगोगे। पर अब मुझे ये बताइए, आप अपने दोस्त के लिए नॉर्मल कुछ भी कर देते हो, मान लो नॉर्मल आप उसको बोल देते हो कि उसने आपको बोला कि नोट्स ला देना मेरे, आप उसके नोट्स ला के दोगे कि नहीं? तो यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें एक पद पर आने के बाद भी आप कर रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन करवाना है, कोविड के दौरान फंक्शन नहीं करवा सकते थे आप, मान लीजिए कोविड के दौरान। अब ये बोला जाता है कि अरे मेरा दोस्त तो IAS ऑफिसर है, मुझे तो परमिशन मिल जाएगी, और वो परमिशन आप दोस्त होने के नाते दे भी देते हो, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती है, वो भी करप्शन है। तो इस तरीके से धीरे धीरे, मतलब हम अगर बोल देना कि नहीं है तो वो आंशिक रूप से होगा ही, बिल्कुल नहीं होता है। अपनी गाड़ी से नहीं जाना होता, वो घर तक छोड़ने का घर भी कौन देते हैं? छुट्टी पे नहीं, नहीं नहीं, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। सो अब मुझे बताइए, चार कंडीशन आपने मान लिए, सो चार कंडीशन कौन कौन सी है? पहला कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरे 18 वर्ष की आयु, तीसरा आवेदक स्थानीय परिवार का हिस्सा हो, एंड चौथा वो अकुशल श्रम करने के लिए स्वेच्छा से कार्य कर रहा हो। अब इसके बाद जो उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो कि अगर किसी ने काम मांगा है तो
15 दिनों के भीतर आपको उसे काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाए हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें अलाउंस देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है, ये जितनी उनको सैलरी मिलती उस सैलरी का 50% होता है, ठीक है, आधा होता है। अगर उतना ही देना होता तो फिर मैं, जब मुझे बिना काम करे ही मिल रहा है तो मैं काम करके क्यों लूंगी, तो आधा जो है वो दिया जाता है। अब इसमें कम से कम जितना इसका फंड आया है, मान लीजिए कि मुझे 100 लोगों को रोजगार देना है, तो 100 लोगों में से यहाँ पर एक तिहाई, मतलब कि 33, एक तिहाई मीन्स कि 33 जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। एंड यहाँ जो कार्य है वहाँ उसका सामाजिक अंकेक्षण करना अनिवार्य है। कि अब अगर आप अब मतलब इसके बाद जो आएगा जियो टैगिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया गया है। कि ये होता है कि आपको सैलरी देनी है, मतलब सपोज करिए कि मैं डीएम हूँ, मेरे पास आए हैं 200 करोड़ रुपए, एंड इस 200 करोड़ रुपए में मुझे क्या करनी है, सैलरी देनी है। किनको देनी है, जो भी मेरे पास रोजगार के लिए आएंगे, कहाँ, ग्रामीण इलाकों में। मान लीजिए कि आप तीनों मेरे पास आ गए हो काम करने के लिए। अब अगर मैं काम करवाना स्टार्ट करती हूँ तो उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आधारभूत संरचना बनानी होगी, उसके लिए मुझे सामान भी ला के रखना होगा। अब वो जो सारा सामान जो मैं मंगवाऊंगी उसमें पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सारा का सारा पैसा किसके किस में से निकालते हैं हम, वो सारा पैसा हम इसी में से निकालते हैं, जो कि 200 करोड़ आएगा इसी में से आएगा, इसमें आधारभूत संरचना का भी और सैलरी देने का भी। अब अगर मैं संरचना बनाती हूँ आधारभूत संरचना, तो उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, और आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, और आपको काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको सैलरी मिलेगी। अब हम दोनों क्या कर लेते हैं, मैं बोल देती हूँ कि बिना काम करे आपको दे दूंगी मैं आधी सैलरी या एक तिहाई सैलरी, और 2/3 सैलरी मैं अपने पास रख लूंगी। ऐसे करके मैं आपके जाली सिग्नेचर या ये सब करवा लेती हूँ, एंड मैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, पर मैं ये बता देती हूँ गवर्नमेंट को कि देखिए ये 100 लोगों के साइन, इनको मैंने सैलरी दी है, और ये मनरेगा के अंदर जो है आवंटन हुआ है, जिसका 2/3 हिस्सा तो मैंने अपने पास रख लिया और बिना काम किए आपको 1/3 हिस्सा दे दिया। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य होगा, कि जो भी काम किया जाएगा उसका एक सोशल ऑडिट होगा ही होगा। अब सवाल उठता है ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम समाज, मतलब हम वहाँ पर वित्त के संबंध में, और जब यहाँ बोला है सोशल, तो हम जाएंगे और देखेंगे कि जिस, ये बोल रहे हैं कि हमने एक पुल बनाया है और उस पुल बनाने में हमने इन 100 लोगों को सैलरी दी थी, तो ये जाकर देखा जाएगा कि क्या एक्चुअली वो पुल बना है कि नहीं बना है, और अगर वो पुल बना है तो क्या वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये इस तरीके से हम सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। अब आपको कौन से शब्द के ऊपर जो है जोर देना है, अनिवार्य, कि ये अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। अब मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जो खेतीहर मजदूरों है उनको वैधानिक न्यूनतम मजदूरी जो है दी जाएगी। अब अगर मैं वैसे इन जनरल बात करूं तो जो वेज दी जाती है, वेजेस जो वेजेस दी जाती है, वो वेजेस जो है वो 3 तरीके से दी जाती है, ठीक है, वो 3 तरीके से दी जाती है। पहला हम उसको बोलते हैं क्या, मिनिमम वेज, न्यूनतम जो है वेज जो दी जाती है। दूसरा जो बोला जाता है उसको बोलते हैं हम फेयर वेज, एंड तीसरा जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं लिविंग वेज, ठीक है। अब जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है वो किसे जगह देता है, मतलब वो किसको सम्मिलित करता है, मिनिमम वेज को। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट 1948, ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, प्रतिशत उन्होंने नहीं बोला है। तो उनका कहना क्या है कि हम
ये नहीं बोलते कि केंद्र और राज्य सरकार हमारे अंतर्गत मिनिमम वेज इतना देगी, परंतु ये जो एक्ट है ये बोलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो मिनिमम वेज, न्यूनतम जो आय है, उसको निर्देशित कर सकती है कि इतनी होनी चाहिए। मतलब वो नहीं बता नहीं रहे हैं, परंतु वो बता सकते हैं। तो वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने कोई भी न्यूनतम जो आय है या मिनिमम वेज है, वो नहीं डिफाइन करके बताई हुई। अब सवाल उठता है, ये होगी कैसे? मिनिमम वेज इतनी वेज रखी जाती है जिससे कि जो वर्कर है वो अपना लाइफ जो है सही से बिता पाए। मतलब उनका रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन आधारभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं, ये उनकी पूरी हो पाए। सो यहाँ पर रोटी, कपड़ा एंड मकान, ये जो तीन उनकी ज़रूरतें होती हैं, ये कंप्लीट हो जाए। फिर जवाब आता है, क्या फेयर वेज क्या होगा? फेयर वेज वो वेज होती है जो कि मिनिमम वेज से अधिक होती है परंतु लिविंग वेज से कम होती है। सो ये क्या होता है? फेयर वेज से मतलब जो मिनिमम वेज है उससे तो ज़्यादा होती है, एंड लिविंग वेज से जो है कम होती है। लिविंग वेज से जो है कम होती है। अरे मैंने क्या किया अभी? हाँ जी, इसी से रिलेटेड है। नहीं, मिनिमम से ज्यादा है परंतु लिविंग वेज से कम है। और ये फेयर वेज वो होती है जो आपकी जो भी उद्योग है उस उद्योग की कितनी लिमिट है कि वो दे सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करती है। जो उद्योग है उसकी कैपेसिटी पर ये निर्भर करती है फेयर वेज कितनी होगी। फिर सवाल उठता है, नहीं लिविंग तो नहीं होगा वो मिनिमम वेज के अंडर रखा गया है कि न्यूनतम इतना तो देना ही चाहिए जिससे कि वो अपना इस टाइम में गुजर बसर कर पाए। ये उद्योग की कैपेसिटी के आधार पर है। एक उद्योग, सब मान लीजिए कि मेरा उद्योग जो है, मेरे उद्योग में इतना मुझे प्रॉफिट होता है कि मैं अपने जो मेरे एम्प्लॉई हैं उनको कम से कम इतना तो दे पाऊँ कि उनके हर किसी को महीने के 30,000 मिल जाए। तो अगर इतना हो रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, नहीं ये बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम वेज बाध्यकारी होती है, उससे नीचे आप नहीं दे सकते हो, पर फेयर वेज बाध्यकारी नहीं होती। इसके साथ साथ लिविंग वेज तो ऐसी वेज होती है जो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने के लिए दी जाती है, और ज़्यादातर आप पाओगे कि जो लिविंग वेज होती है ये जो स्किल कार्य होता है, जो कुशल श्रम होता है, स्किल वर्क जो है उससे रिलेटेड ये दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सो ये मतलब अगर आप देखोगे तो गूगल में किस तरीके से, गूगल में तो आपने देखा ही होगा, सो वहाँ पर चीज़ें जो है किस तरीके से चलती है, तो उनके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। वहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो वहाँ उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं पॉइंट्स के बेस पर उनको ये किया जाता है कि कब और किस तरीके से आपको
कोई मान लीजिए आपको मसाज लेनी है या आपको खाने में क्या खाना है, पूरा बुफे लगा होता है। हाँ, सो ये सारी जो है कैपेसिटी है, सारी जो है चीज़ें जो है आराम से उनको मिलती है। हो गया? ये बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए अधिक भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। तो उनकी उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए दी जाती है, ताकि उनका आप उसके बाद काम में बहुत अच्छे से ध्यान लगे। ठीक है, ओके। अगला जो महत्वपूर्ण आता है वो ये कि यहाँ पर जो ग्राम सभाएं हैं उनको सिफारिश करनी होती है कार्य के लिए, एंड वो उसके लिए बाध्य होते हैं, और कम से कम उन्हें 50% जो है काम निष्पादित करना होता है, तो वो भी इसका एक जो है पार्ट माना जाता है। अब मनरेगा के तहत बेहतर कार्य करवाने के लिए क्या किया गया है, 3 योजनाएं बनाई गई है, वो आपको याद रखनी होगी। पहली JioMGNREGA। JioMGNREGA में क्या किया जाएगा, एक तो JioMGNREGA में 3 लोग जो है वो काम करने वाले हैं। पहला NRC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। जब मैंने नाम बोला है रिमोट सेंसिंग तो आपके माइंड में क्या आया, साइंस एंड टेक्स, मतलब सैटेलाइट। वो सैटेलाइट क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। इमेज से क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली में वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब आज के टाइम पे आप मुझे बताइए, आप सैटेलाइट के थ्रू एरिया साफ साफ नहीं देख लेते हो, घर भी ऊपर से दिख जाता है ना कि इस तरीके से बन रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने बोला है कि हमने वहाँ ब्रिज बनाया है, तो हम तभी टाइप करें और देखें एक्चुअली में ब्रिज बनना है कि वहाँ पे नहीं बना है, पता चल जाएगा। तो इसलिए रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो काम करेगा। उसके बाद है इसरो। इसरो इसमें हेल्प करने वाले, देखो इसरो का तो हेल्प रहेगा ही, क्यों, क्योंकि जितना भी ये सैटेलाइट का काम होगा वो इसरो करके देगा। अब जो इसरो के थ्रू सैटेलाइट बनाया इमेज देगा, वो इमेज आप तक कैसे पहुंचेगी, किसी ऐप के थ्रू। आपके पास क्या है, इस मोबाइल में ऐप होगा, ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। तो ऐप के पीछे कौन देने वाला है इससे रिलेटेड, कि जो ऐप के पीछे की जो तकनीक है वो कौन देने वाला है, वो देने वाला है NIC। ये क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, सो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। और उसके साथ साथ हो कहाँ रहा है ये सब कुछ, रूरल एरिया में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका साथ देने वाली है, क्योंकि उन्हीं के अंडर तो ये स्कीम है हमारी, तो उनके अंडर जो है ये साथ देने वाली है। अगला, अब उसके आधार पर क्या किया जाएगा, इसके आधार पर एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं जियो। हाँ जी, इसके आधार पर क्या की जाएगी, जियो टैगिंग। टैगिंग का मतलब क्या होता है, टैगिंग का मतलब होता है टैगिंग का मतलब होता है कि जो जो आधारभूत संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं उन संरचनाओं को हम देखें, और देखने के बाद उस तरीके से काम करें कि हाँ यहाँ इस एरिया में ये बनाई जा चुकी है, ये नहीं बनाई जा चुकी, तो उसके आधार पर ये काम करेगा। अगला आता है क्या, हाँ जी, अगला आएगा क्या, LifeMGNREGA। LifeMGNREGA याद करिए, लाइफ, इससे पहले भी हमने कहीं पढ़ा था ये वर्ड, कहीं आया था, हमने पढ़ा था। हाँ जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं कोई, लाइफ लाइफ खाली लाइफ। चलो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ये बता दो किन्होंने दिया था, कहाँ दिया था। अरे ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, इन्वायरमेंट में है ये कंफर्म है, इन्वायरमेंट की क्लास में हुआ था। लाइफ जो है मिशन लाइफ। अच्छा, अब याद आया कुछ, हाँ जी, ऑनलाइन में याद करवाऊं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया था, अभी याद आया नहीं,
तो ये चलिए आपका चेक करके लेके आना है आपको। याद आएगा तो मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी कि अंदर कौन सा काम किए जाते हैं। ओके सो मनरेगा के अंदर यही काम किए जाते हैं कि मान लीजिए कहीं यहाँ पर हमें कोई आधारभूत संरचना बना दी है, या फिर उससे रिलेटेड हमने कोई ब्रिज बना दिया है, मतलब तालाब का निर्माण कर दिया, कुएं का निर्माण कर दिया, नालियों का निर्माण कर दिया, तो ये गलियों का निर्माण कर दिया, तो ये काम किए जाते हैं। मजदूरी कितनी देती है काम के ऊपर निर्भर करता है, तो काम का मतलब नेचर कैसा है, 4 रुपए से 21 रुपए भी हो सकता है, उससे बढ़कर जो है 25 से जो है 40 तक भी जा सकती है पर डे के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी हाँ, उसके हिसाब से ये होती है। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो काम कर दिया जाता है परंतु उनका आवंटन किया ही नहीं जाता है। जो लोअर मान लीजिए कि कास्ट के बेस पे अगर हम बात करें तो कास्ट जो है वो कम से कम होती है। मान लीजिए लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं या जिनको रिजर्वेशन दिया गया है उनको तो जल्दी आवंटन कर दिया जाता है मनरेगा के अंदर, और बाकियों के जो हैं वो एक एक दो दो तीन तीन महीने पुराना भी पड़ा रहता है पेंडिंग। ठीक है, सो उसके बाद आता है नरेगा सॉफ्ट। नरेगा सॉफ्ट क्या है, ये एक सिस्टम है, ई गवर्नेंस सिस्टम है, जिसमें कि हम स्थानीय भाषा के सक्षम वर्क फ्लो का से आधारित होने वाला है। मतलब कि ये एक ऑनलाइन, ये एक, हाँ जी, ये एक ऐप है जो काम कैसे करेगा, मैं बता देती हूँ आपको कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से काम कर सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ये काम कर सकता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करेगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये एक ई गवर्नेंस सिस्टम होगा कि गवर्नमेंट के जो भी मान लीजिए कि यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ इतनी सैलरी दी गई है, ये आधारभूत संरचना बनी है कि नहीं बनी है, तो उससे रिलेटेड जो है ये काम होने वाला है, उससे रिलेटेड ये होने वाला है। अगला आ जाता है क्या, जलदूत ऐप। जलदूत ऐप नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये जो जलदूत ऐप होगा ये किस में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आ सकता है, परंतु ये जलदूत ऐप जो है ये आएगा रूरल डेवलपमेंट में। क्यों, क्योंकि आप ऐसे मान लेना कि जल एक दूत बन के आ रहा है, और दूत क्या करता है, दूत हमें डेवलपमेंट या संदेश, मतलब दूत के थ्रू ही हमारी डेवलपमेंट होगी। जब दूत के थ्रू ही हमारी डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब है ये किस में आएगा, रूरल डेवलपमेंट। एंड इसके साथ साथ पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो भी इसका एक पार्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि पंचायती राज मिनिस्ट्री ही इसका काम करवाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा, भूजल स्तर जो है उसकी निगरानी रखेंगे, और जो भी कुएं हैं उनका जल स्तर क्या है कैसे नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 बार में ये देखा जाएगा, कब, एक तो मानसून से पहले और दूसरा मानसून के बाद, तो तब जो है ये चेक किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छा। एक बार जल्दी से ये जो हमने किए हैं 4, तो इनको जल्दी से एक बार ही पढ़ लीजिए, फिर हम अगला करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ग्राम सभा के द्वारा, मतलब कि जिसमें जो काम करेंगे वो कौन होगा, वो पंचायत के अंदर ग्राम सभा के थ्रू किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर पैसा आया है 200 करोड़, तो उसमें से कम 100 करोड़ का काम पंचायत के हाथ से निकला हो,
तो मतलब 100 करोड़ का काम पंचायत ने करवाया हो, ऐसा होना चाहिए। हो गया, थोड़ा जल्दी करिए। नहीं, पहले मैं थोड़ा सा करवाऊंगी तो, क्योंकि कंफ्यूजिंग सी हो जाएंगी थोड़ी, एक दो और तो तब पूछूंगी। अभी क्या मजा है पूछने में, चार पांच तो वैसे ही याद हो जाती है। किसकी? मिशन लाइफ। कब दिया था, कहाँ दिया था? बिल्कुल करवाया था, एक बार नहीं दो दो बार करवाया था। और आपको याद नहीं है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। अभी आप देख लीजिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, किसके अंडर आई है? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर आई है। तो अब आप लिख दीजिए अपना होमवर्क, आपका होमवर्क है कि आप परंपरागत कृषि विकास योजना को पढ़ के और उसका बढ़िया सा नोट्स बना के लेके आओगे। हाँ जी, अभी तो इसके बाद ही स्ट्रेट अवे मेरी क्लास है 5 बजे इकोनॉमी का, आज तो नहीं हो पाएगा अनिल। हाँ जी, आपके पास है? मेरे पास नहीं है, मेरा ऑप्शनल का क्लास होता है। हाँ जी हाँ, 12 से 2। तो ये क्या है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, ये उससे पहले आई थी परंपरागत कृषि विकास योजना। जैसे कि नाम आया है क्या, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो परंपरागत मींस बहुत पुराने तरीके से जैसे कृषि की जाती थी। तो हाँ जी, तो अब एक काम और दे रही हूँ मैं, आप मुझे बता दीजिए आपका फाउंडेशन में इकोनॉमी हो चुका है कि नहीं? कृषि नहीं आया है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, परंतु कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इतना तो मैं करवाती चलूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पर थोड़ा सा बियर करिएगा, क्योंकि वो मुझे इंग्लिश में ही आते हैं, उनके हिंदी नाम नहीं पता है। परंतु बात क्या है कि उनके इंग्लिश के नाम भी हिंदी में ही बोले जाते हैं, ठीक है? जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, मतलब प्राकृतिक रूप से कृषि की जाएगी। प्राकृतिक रूप से मतलब है कि आप उसको, उसमें कोई भी सिंथेटिक और कोई भी इधर उधर के जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो यूज नहीं करोगे, आप उपयोग में ही नहीं लाओगे। तो वो कितनी तरीके से हो सकती है? पहला जिसको हम बोलते हैं जीवामृता, जीवामृता, ठीक है? याद कैसे रखोगे? जीवामृता,
जाएगा। अब क्या किया जाता है इसमें, जीवाम का मतलब है जो कि आपको किसी जीव से मिली है, रुथा मतलब जीव का वेस्ट, वेस्ट अप, हाँ जी अपशिष्ट। ठीक है, सो जीव का अपशिष्ट। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, पहला इसमें लिया जाता है डंग। डंग किसका लिया जाएगा, काओ का, हाँ जी गोबर। ठीक है, इसमें लिया जाएगा सबसे पहले क्या, गोबर लिया किसका जाएगा, गाय का। गाय कैसी होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए। सो जो हाइब्रिड गायें बना के रखते हैं ना विदेशी के साथ, उसकी स्पीसीज मिला के, वो नहीं चलेगा। जो हमारी देसी गायें हैं उसी का जो है गोबर चलेगा, हाँ जी। और देसी जो गायें हैं उनका यूरिन मतलब कि मूत्र। और इसके साथ क्या मिलाया जाएगा इसमें, जैगरी। जैगरी मतलब कि गुड़। और क्या मिलाया जाएगा इसमें, पल्सिस। पल्सिस मतलब कि दाल, दाल का पाउडर। ये सब मिलाया जाएगा और इसको मिलाकर एक, आप बोल सकते हो कि एक किसी बड़े से उसमें मिलाया जाएगा और उसमें मिला के बढ़िया जो है इसको थोड़े टाइम तक रखा जाएगा। उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन हो जाता है ना, थोड़े टाइम तक रखेंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये प्रक्रिया करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे एक हमारे लिए खाद बन जाएगा। और वो खाद कैसा होगा, प्राकृतिक खाद होगा। तो अब क्या बोला जाता है, देखो जैविक खाद नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपने जीव के वेस्ट से बनाया है। ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं आप, जो हम बेसिक बोल देते हैं ना जैविक खाद। तो ये नेचुरल फार्मिंग में जीवामृता ये अपनी तरीके का एक ही है, इसमें देसी जो काव है उसी का यूज़ किया जाता है। इससे हम क्या करेंगे, इसको मिला के इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे एंड उस सोल्यूशन को फिर हम क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे खेत पर लगा देते हैं। माना जाता है कि 200 से 300 लीटर इसको बनाएंगे एंड वो 200 से 300 लीटर जो है वो एक खेत में, एक एरिया में यूज़ किया जाएगा उसे। एंड ये माना जाता है कि आपको कम से कम 2 महीनों में बार बार जो है इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो एक गाय जो है एक एकड़ के लिए वो सही रहती है। देखो बीघे के हिसाब से देखूँ तो मुझे लगता है 10 बीघे मिलाकर एक एकड़ बनती है शायद, पूरा शोर नहीं है मुझे तो। परंतु ये बोला जाता है कि एक गाय एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी, उससे अधिक के लिए फिर अधिक उसका गोबर जो है आप स्टोर करोगे सारा का सारा। एक गाय एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी क्योंकि उसका गोबर बहुत रहेगा, क्यों, क्योंकि 2-2 महीनों में आपको करना है एंड वो पूरा आप बना के रखोगे, बना के जो है उसके, क्यों, क्योंकि सिर्फ गोबर ही नहीं उसमें मूत्र भी जाएगा, उसमें गुड़ भी जाएगा, दाल भी जाएंगी। तो ये बोला जाता है कि इससे आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा, परंतु बोला जाता है कि खर्चा नहीं आएगा परंतु दाल और गुड़ लाना पड़ेगा ना, वो तो लाना पड़ेगा। इसलिए कहाँ पर, जीवामृता यूरिन के नीचे लिखा है मैंने, जैगरी गुड़। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, बीजामृता। बीजामृता इसको मैं वापस से लिख देती हूँ, बीजाम 8.26। नहीं वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती होती है, जैसे हमारे हरियाणा में अलग यूपी में अलग मिलेगा, वो अलग अलग होता है। अरे वेरी गुड संकेत, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये तो बता दिया, उसके अलावा तो बताइए। हाँ जी 5 PM के बाद क्लास है मेरा, 5 इंग्लिश। अगला आता है क्या, बीजामृता। अब बीजामृता में शब्द क्या आया है, बीज,
तो इसमें क्या किया जाएगा, बीज का यूज किया जाएगा और उस बीज के थ्रू आप काम करोगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो बीज है आप अपनी ही क्रॉप का, आपने अपना जो बनाया होगा, मान लीजिए कि मैं गेहूं उगाती हूँ तो मेरा गेहूं के दाने मेरे पास है तो अपने ही दानों को मैं यूज़ करूँगी। अब जो दाने होते हैं उनसे अगर आप पेड़ उगाते हो तो फिर क्या होती है, एक तो उनका उत्पादकता कम हो जाती है, दूसरा उनमें कीट पतंगे और ये कीड़े मकोड़े लगने से आपकी जो उत्पादकता है वो भी कम हो सकती है। तो क्या हो कि हम अपने बीज को ही ऐसा बना दें कि उसमें खाद की ज़रूरत ना पड़े और ना तो उसमें कोई कीट मकोड़े लगे और ना ही उसकी उत्पादकता कम हो। तो हम क्या करते हैं, जो बीज होता है उसको नीम की पत्तियों में, मींस नीम कोटिंग उसकी की जाती है, एंड इसके साथ साथ बीज को नॉर्मली हम कभी कभी क्या करते हैं कि यूरिन के साथ और काव डंग के साथ, मतलब बीज को रखा जाता है, नीम की कोटिंग की जाती है। इसके साथ साथ हम जो ड्राई चिल्ली होती है, सूखी मिर्ची, उसके साथ जो है बीज का सॉल्यूशन, मतलब बीज को उसमें रखा जाता है, हाँ जी, थोड़े टाइम बाद तक रखा जाता है और फिर माना जाता है कि ये जो बीज है, ये मतलब जो हमारा बीज है या जो हम अपनी ही क्रॉप को, वीट के गेहूं को ही मैं दाने को अगर यूज़ कर रही थी, उसको फिर उगाया जाता है एंड माना जाता है कि फिर उसमें कुछ वो नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि गेहूं की टंकी में कुछ कुछ क्या करते हैं, दवाई डाल के रखते हैं और कुछ क्या करते हैं उसकी जगह पे नीम के पत्ते डाल देते हैं, ठीक है, हाँ जी, चूहा की दवाई आम आदमी खाएगा वो भी मर जाएगा। गाँव में यही तभी पता चलता है किसी को सुसाइड करना होता है ना, वो आराम से सल्फास की गोली। तो मतलब मेरे कॉलेज में एक लड़की, तो उनके पड़ोस में किसी भाभी ने सल्फास की गोली खा ली होगी, वो थोड़ी हेल्दी थी, उसने जितनी गोली खाई उससे उसको फर्क पड़ा ही नहीं। तो एक उल्टी में ही वो उनके घर वालों को पता चल गया कि उसने जब उल्टी की तो उनको पता चल गया कि इसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है, पर उसको फिर कुछ तबीयत उसकी बिगड़ी ही नहीं, कुछ उसको हुआ ही नहीं। तो वही होता है कि उस सल्फास की गोली की भी मिलावट थी, वो बोलते हैं कि अरे ये गोली में भी मिलावट थी। तो हाँ जी, हाँ जी बताओ, ग्लासगो में दिया था। सो उन्होंने उस टाइम पे लाइफ फॉर एनवायरनमेंट के बारे में बात करी थी, याद आया कि देखा। सो अगला आता है क्या, मल्चिंग। ये जो मैं सब कर रही हूँ ना, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं मल्चिंग के लिए कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये इनका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी था, अगर आपका हो गया होता एग्रीकल्चर तो फिर ये हो मुझे करवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, चलो। मल्चिंग जो है, मल्चिंग में क्या किया जाता है, मल्चिंग में जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे और ऐसा सूखा कचरा और ये सब चीज़ें ली जाती हैं जिन्हें जो अपने आप डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब कि टाइम के साथ मिट्टी, पानी, जल ये सब लगकर वो जीवाश्म बन जाते हैं। सो ऐसी सूखी पत्तियों से पूरे के पूरे खेत को ढक दिया जाता है, पूरे के पूरे खेत को ढक दिया जाता है, एंड जब उसको पूरे अच्छे तरीके से ढक दिया जाता है तो वो थोड़े टाइम बाद आपको ढक के अपनी भूमि को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, एंड फिर आपकी भूमि जिस तरीके से आप ढकते हो तो फिर वो अपने आप ही वो उस मिट्टी में डीकम्पोज जीवाश्म बन जाता है, एंड उससे आपकी जो मिट्टी है वो उर्वरता उसकी बढ़ जाती है, तो आप अगर उसमें उगाओगे तो फिर ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ और करना पड़ेगा, तो वो आराम से काम चल जाता है। हो जाएगा क्लियर ये? तो मल्चिंग में क्या किया जा रहा है, सूखी पत्तियाँ ली जा रही है, तो खर्चा हो रहा है क्या कुछ इसमें? नहीं हो रहा। इसमें हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत सूखी मिर्ची लानी पड़ेगी और नीम तो ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में। नेक्स्ट आता है वाफासा। सो वाफासा में क्या किया जाता है कि इस केस में जो भूमि है उसका अपना जो प्राकृतिक सोइल, उसका सोइल का और एयर का और वाटर का
जो मतलब कि रेशियो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इनका मानना है क्या कि जो भूमि है, जो सोइल है, उसका अपना एक लेवल होता है जिसमें कि एयर के मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल काम करते हैं। तो इनका मानना क्या है कि अगर हम भूमि के उस पानी के और पानी का स्तर कितना है और उसके एयर के रिक्वायरमेंट को अगर हम जान जाए तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें इस भूमि को कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही उर्वरक हो जाएगी, मतलब इसकी जो उर्वरता है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या किया जाता है, एयर और वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो मेंटेन किया जाता है। और ये कैसे ये हम अचीव करते हैं, ये हम अचीव करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू कि नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो पर्सन एग्रीकल्चर करता होगा उसे पता होगा कि मेरी जो भूमि है उसे कितने पानी की आवश्यकता है। ठीक है, माना जाता है कि जितनी आवश्यकता उससे अधिक हम पानी देते रहते हैं तो उससे उर्वरता खराब हो जाती है, इससे जो भूमि है सोइल है उसका इरोजन भी हो जाता है, ठीक है, ह्रास हो जाता है भूमि का। तो ये सब चीज़ें आती है। अब आपने ये चारों वर्ड देख लिए हैं, अब हम आ जाएंगे कहाँ, अपनी स्कीम पर। अपनी स्कीम पर आने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम सभी तरीके के जो सिंथेटिक केमिकल इनपुट है उनका क्या करेंगे, उनका करेंगे बहिष्कार। एंड उसके साथ किसका ध्यान देंगे हम, बायोमास पुनर्चक्रण का। बायोमास पुनर्चक्रण क्या है, ये है बायोमास मल्चिंग। और आपको पता है मल्चिंग में क्या किया गया था, सूखी पत्तियां से भूमि का जो उसे ढक दिया जाता था सो जिससे कि वो जीवाश्म बन जाए एंड फिर उससे जो है भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ गाय के गोबर मूत्र से बनी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, पादप आधारित जो है उनका सामग्रियों का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। तो ये काम हम जो है नॉर्मल करने वाले हैं। अब वित्त से रिलेटेड अब मुझे बताइए, तो वित्त की तो ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलने की बात है, इन्होंने कह दिया क्या है, ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इनका, जो अभी हमने किया था ना, ये इनको बोला जाता है क्या, टेक्निक्स ऑफ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब कि आप प्राकृतिक कृषि कर रहे हो और वहाँ बजट क्या देना है आपको, ज़ीरो। बजट बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये आपको करना है। ठीक है, हो गया। तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्लस्टर का एक गठन किया जाएगा। क्लस्टर से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्षमता निर्माण किया जाएगा कि हम क्षमता बढ़ा रहे हैं एंड प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा निरंतर जो है मदद दी जाएगी। सो ये यहाँ पर हम वित्तीय सहायता के तरीके, मतलब वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अब मान लीजिए कि आपके पास नहीं है गाय और गोबर आपको चाहिए, तो गांव में तो मिल जाएगा इधर उधर से गोबर, यहाँ दिल्ली में रह के आपको गोबर चाहिए आसपास मिल जाएगा क्या, ठीक है, नहीं मिलेगा, हाँ सो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्या, फसल अवशेष प्रबंधन, कि जो फसल है उसका कैसे, जो अवशेष होते हैं उनका कैसे प्रबंधन हम करें। तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, क्यों, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र के जो किसान हैं आपने सुना होगा कि वो क्या करते हैं, पराली जलाते हैं, हाँ जी, पंजाब और हरियाणा के जो हैं तो वो जो है पराली, हाँ जी, सो पराली जलाते हैं, तो बिल्कुल किया जाता है ये, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टेक्निक दी जाती है, इससे पहले हैप्पी सीडर करके एक आया था आपने सुना भी होगा, हाँ जी, तो वो मशीन दी जाती है जिससे कि वो उसको जड़ से ही निकाल देते हैं, परंतु उसकी भी उसके लिए भी जो फार्मर हैं उनको 5,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। अब जब उनका एक माचिस जिसमें सिर्फ एक तिल्ली से काम चल रहा है तो उससे ज़्यादा में वो काम क्यों चलाएं, ठीक है, सो वही वाला हो जाता है। अब ये कैसे काम करेगा, अब यहाँ देखिए आपको एक शब्द दिख रहा होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, इसे मैं लिख देती हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए,
अब ये क्या है, ये एक सेंटर है। तो इस सेंटर में जो भी आपको मशीनरी चाहिए होती है फार्मर को, वो मशीनरी ये रेंट के थ्रू अवेलेबल करवाते हैं। मतलब आप हायर कर सकते हो किसी भी तरीके की मशीनरी के। सपोज करिए आपको चाहिए ट्रैक्टर, तो आप ट्रैक्टर को क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, ट्रैक्टर को हायर कर सकते हो। तो ये आपको जो है फैसिलिटी मिलती है, हाँ, कुछ भी रेंट देकर, कुछ भी भाड़ा देकर आप जो है कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है कि मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर को तो नहीं, कोई अपना दे नहीं रहा है, बाहर से ले रेंट ज़्यादा मिल रहा है, खुद का खरीद नहीं सकते हैं, और खुद से काम करें तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, आओ आराम से इस सेंटर में से अपना ट्रैक्टर लेके चले जाओ, काम करवा के वापस दे जाओ। तो उस तरीके से किया जाता है। अब ये नहीं है कि ऐसे ही वो आपको शरीफ समझ के ऐसे ही दे देंगे, अपना थोड़ा बहुत वो ये तो करवाएंगे, कुछ तो जो है वो रेंट लिया जाएगा। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, इन सीटू इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो इन सीटू में क्या किया जाएगा कि जो जगह है उस जगह पर जहाँ हो रहा है वहीं आकर करे, तो उसे हम इन सीटू बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब अगला आ जाता है रक्षा मंत्रालय। सो इससे पहले हमने कर लिए हैं कृषि और किसान कल्याण में भारतीय प्राकृतिक एंड जो है फसल अवशेष जो है प्रबंधन। अगला आता है क्या, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय में दो ही आएंगे, एक आएगा मिशन डेफ स्पेस, दूसरा आएगा माँ भारती के सपूत वेबसाइट। अब जो मिशन डेफ स्पेस है ये क्या बनाया गया है, डिफेंस से रिलेटेड एक स्पेस बनाया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना, ठीक है, आर्मी, तो तीनों ही उनके उनमें हम बेसिक क्या करने वाले हैं। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारे भारत में जो माइंड है लोगों के, वो कैसे हैं, वो इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव मतलब कि वो नए नए जो है नवाचार वो लेकर आ सकते हैं। अब हमने क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पर 75 प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है, या तो मैं बोलूँ प्रॉब्लम या तो मैं बोलूँ चैलेंज। जो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं किसे, वायुसेना, नौसेना और जो हमारी आर्मी होती है उसको। तो ये 75 प्रॉब्लम्स हैं, ये जो 75 प्रॉब्लम्स हैं, अब अगर कोई भी पर्सन इन 75 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है और वो उस सॉल्यूशन को एक इंडस्ट्री, एक उद्योग के तौर पर स्थापित करना चाहता है, तो वो डेफ स्पेस के अंडर स्थापित कर सकता है। तो ये डेफ स्पेस क्या कर रहा है, उन्हें लाइसेंस या गारंटी या मैं बोलूँ तो परमिशन दे रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 75 प्रॉब्लम्स चैलेंज और वो सॉल्यूशन जो बनाएंगे, तो उस सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम होती थी उनको कि उनकी जो पूरा, चलिए हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जो सेना है वो खड़ी रहती है मान लीजिए, तो अब उनको क्या होता है कि वो अपना गन लेकर रखते हैं। सो मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कि उनके पास गन के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा में गोली भी रखनी पड़ती होगी उसकी गन के लिए। तो हम, मैंने क्या सोचा है कि मैंने एक सोल्यूशन सोचा है कि मैं ऐसा कुछ उनकी जैकेट बनाऊँ कि जिसमें गोली को वो इजीली एक्सेस कर सके, दूसरे को ना दिखे, उनके पास वो दिखे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अब मैंने ऐसा करके जैकेट मैंने बनाई है। जैकेट मैंने कैसे बनाई है, मैंने डिज़ाइन बनाया है। अब ये डिज़ाइन मेरा है, मैं इस डिज़ाइन का क्या करवा लूँगी, पेटेंट करवा लूँगी, एंड फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगी और बोलूँगी देखो मैंने ये डिज़ाइन बनाया, इससे सेना को ये जो है फ़ायदा हो सकता है। तो उसके बेसिस पर मैं क्या करूँगी, गवर्नमेंट इस डेफ स्पेस के अंडर मुझे क्या दे देगी, परमिशन दे देगी। तो अब मैं अपना स्टार्टअप सेट करूंगी और मैं ये जैकेट बना बना कर सप्लाई करूंगी।
नहीं, पेटेंट अलग अलग के अंडर होएगा। ये क्या देंगे, ये परमिशन देंगे कि बना सकते हो कि नहीं बना सकते। क्यों परमिशन ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो आप उठ के कुछ भी बना लोगे और डिफेंस से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, अलग अलग गलती नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से ये रहने वाला है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, माँ भारती के सपूत वेबसाइट। ये वेबसाइट में इसको क्या हो गया है? अभी मक्खी बन चुकी है। सो माँ भारती के सपूत वेबसाइट क्या है कि इस वेबसाइट में ये बोला गया है कि आपको अगर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के रूप में ये बनाया गया है, अगर आपको किसी भी तरीके का योगदान देना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू दे सकते हो। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है, हम तो आर्मी में जो शहीद हुए हैं उनके लिए देना चाहते हैं कुछ, पर हमें यही नहीं पता है कि कहाँ से दें कैसे दें। तो इस वजह से वो माँ भारती के सपूत वेबसाइट बना दी गई है कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके का योगदान देना है तो वो इसके थ्रू इसके अंडर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये भी आपका सिंपल सा था तो आराम से हो गया। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उससे रिलेटेड है। अब ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 2021 में आई थी जनवरी में। अभी वर्तमान में इसका क्या चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना जो है इसका अभी हाल फिलहाल में 3.0 चल रहा है। या क्या चल रहा है? 3.0। ये जो 3.0 है ये करना क्या चाहता है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ जी हाँ, कौशल विकास योजना। तो ये जो कौशल विकास योजना है इस ये जो 3.0 चल रहा है इसका क्या चरण, परंतु ये जो चरण है वो है किसके लिए, वो है नए युग और औद्योगिकरण जो 4.0 चल रहा है उसमें। देखिए, अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो औद्योगिकरण के लिए उसको जो कौशल श्रम भी चाहिए होता है, श्रमिक भी चाहिए होते हैं, जिन श्रमिक के द्वारा वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो जो वो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते हैं, ये मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है मांग, दूसरी तरफ है आपूर्ति। अब जो उद्योग हैं वो मांग रहे हैं क्या कि उन्हें कुशल श्रमिक मिले और आपूर्ति है नहीं, तो ये क्या आ गया है, एक गैप आ गया है। तो इस गैप को जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इनका, अब आप हमेशा याद रखोगे प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है इसके अंतर्गत इंडस्ट्री 4.0। सो आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकरण क्रांति। ठीक है, सो जो औद्योगिकरण क्रांति हुई थी उसके अलग अलग चरण रहे हैं 1, 2, 3। इस टाइम पे चल रहा है क्या 4.0। हाँ जी, ये वाला चल रहा है। तो ये क्या है 4.0। तो हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 3.0, पर ये काम किसके लिए करेगा, औद्योगिकरण 4.0 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने वाले हैं। अब सवाल उठता है ये वोकल फॉर लोकल है क्या? ये वोकल फॉर लोकल है कि आप अपने स्थानीय क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ावा देना चाहते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले बहुत सारी स्कीम निकाली थी। उन बहुत सारी स्कीमों में नाम आता है किसका, मेड इन इंडिया, आता है कि नहीं, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। सो ये जो है स्कीम, तो ये वोकल फॉर लोकल किसको करता है प्रमोट, ये मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को। हाँ जी हाँ, तो वो क्या चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप बनाइए। अब अगला क्या आता है कि इसमें उपलब्धि इन्होंने क्या करी है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौशल विकास ने 8 लाख उम्मीदवारों को उससे पहले हेल्प करी है। ठीक है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कौशल भारत के अंदर क्या किया जाएगा, केंद्र खोले जाएंगे एंड इसके साथ साथ सूचीबद्ध गैर जो है PMK के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केंद्र। ठीक है, एंड इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI का नेम तो आपने सुना ही होगा।
ITIs जो हैं वो भी ओपन किए जाएंगे, सो दैट कि हम प्रशिक्षण अच्छे से कर पाएं। यहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति जो है 2020, उसका भी उसमें भी हम इसको समग्र करके इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि हमारी एजुकेशन ऐसी हो कि बाद में हमें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत ही ना पड़े। कि क्या हो, आप कॉलेज से निकलो सीधा जॉब मिल जाए, आपको ITI में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नोडल एजेंसी इसमें कौन होने वाली है, सीधी सी बात है, आपको पता ही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है या काउंसिल है वो होने वाला है। सो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ये होने वाला है। अब वापस से मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्किल डेवलपमेंट के अंदर कुछ भी करना है तो उसके लिए कौन रहेगा, यही रहेगा नोडल एजेंसी, ठीक है। अगला पोर्टल आ जाता है क्या, असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। अब ये पोर्टल क्या करता है, पोर्टल का काम है कि जो भी एम्प्लॉयर है जिसको कि जॉब देना है, एंड एम्प्लॉई है जिसको कि जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर चाहते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉई का डेटा आ जाए, और एम्प्लॉई चाहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी कैपेबिलिटी एम्प्लॉयर तक पहुंच जाए, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया ये पोर्टल। इस पोर्टल में हम क्या करेंगे, इस पोर्टल में हम उन दोनों की ही इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे, उन दोनों की ही इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे। सो इसमें उद्योग की आवश्यकताओं, उनके कौशल अंतर विश्लेषण को, और प्रति जिला राज्य क्लस्टर की मांग के अनुसार मांग और आपूर्ति के पैटर्न के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है असीम पोर्टल में, असीम पोर्टल क्या है, ये किससे रिलेटेड है रोजगार जो है वो प्रदान करने से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जस्ट इसमें हम उनका डेटा रखेंगे अपने पास, और डेटा किनको देंगे, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉई को अपना डेटा डालना है वो असीम पे डाल दे, एम्प्लॉयर को चेक करना है कि कौन कौन अवेलेबल है वो वहाँ से चेक कर ले, तो ये काम हम करके देंगे। सीधी सी बात है, इसका जो वो होने वाला है हेड, हम अगर बोले तो वो कौन होने वाला है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके साथ साथ बेंगलुरु की स्थित एक कंपनी है बेटर प्लेस, सो बेटर प्लेस जो है वो भी होने वाली है। तो ये दोनों मिलकर करेंगे, ताकि बेटर प्लेस कैसे याद रखोगे, ताकि आप इसको बेटर बना सको। हाँ जी, बेटर प्लेस के मतलब हमने एक बेटर प्लेस बना दिया जिससे कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और आपको ये हो जाए कि क्या करते हैं, अपना CV बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं अपना, और वो देने जाते हैं खुद जाके। अब जाके अपनी चप्पल घिसे, इससे अच्छा क्या है, पोर्टल पे डाल दे, आने जाने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, हाँ जी हाँ, वो भी संभावना भी होगी। अगला आता है क्या, ग्रामीण उद्यमी परियोजना। ये क्या है, एक बहुकौशल परियोजना है। कौन करेगा इसको, NSDC, ठीक है, यही करेगा ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या किया जाएगा इसमें, इसमें आदिवासी छात्र जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल फिलहाल में हमने क्या किया है इसमें, ये क्यों न्यूज़ में रहा था, इसको पहले ये मध्य प्रदेश और झारखंड में किया जाता था, अभी इसको महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी लागू कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले ये 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश और झारखंड में, और हाल फिलहाल में इन्हें आप सारे जो मिड के हैं ना वो पार्ट राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी हाँ, राजस्थान, देन गुजरात, देन मध्य प्रदेश, थोड़ा नीचे महाराष्ट्र, इस तरफ पे झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये इनको यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, क्लियर हो गया है। तो चलिए, अब मैं आपको दे रही हूँ 2 मिनट का टाइम, जल्दी से जो अब तक के किए हैं वो पढ़ लीजिए, अभी सुनूंगी मैं, ठीक है। अभी थोड़े हो गए हैं ऐसे कि कन्फ्यूजिंग सी लगेंगे आपको, तो अब सुनूंगी मैं। क्या फायदा मैं करवाती चलूं, बताओ, पीछे का भूल जाते हैं। तो
टाइम याद करने के लिए दिया है। Adult. चलिए टाइम इज अप। देखिए अभी तो टाइम हो चुका है, पूछूं? ओके, इसको हटा देती हूँ।
इसमें से मैं पूछ सकती हूँ कुछ जो अभी मैंने करवाया था, ठीक है? हाँ जी, सो ऑनलाइन में सभी लिखेंगे, वो तो आपको लिखना ही है। तो आप मुझे बताएंगे राजन कि वाफासा जो टेक्निक थी उसमें क्या किया जाता है। वाफासा, वाफासा, WHA। अच्छा चलो ऐसे बता देती हूँ, फोर्थ नंबर आप बता सकते हो? चलिए बताइए जी। ऑनलाइन में अगर आपको आ जाता है तो आप लिखेंगे। नोट्स में कहाँ से आएगा, मैंने करवाया था ना। हाँ जी, वेरी गुड पुष्पिंदर, वेरी गुड। ओके हाँ जी, आप बताएंगे मुझे। जीवामृत था। हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ, जीवामृत था। वो एक खाद के तौर पर काम करेगा। फर्टिलाइजर, ठीक है, सो नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर ये काम करेगा। नहीं, पर मुझे समझ में आ गया, आपने बताया, अच्छा है, ठीक है। हाँ जी चलिए, अब आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, अच्छा, कुछ मरले भी होता है, कनाल भी होता है कुछ। हाँ जी, वो है ही नहीं इम्पोर्टेंट, उसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देसी होनी चाहिए। हाँ जी, हाइब्रिड वो नहीं, हाइब्रिड नहीं चलेगी, गाय मतलब देसी गाय। नहीं, गाय ओनली, गाय देसी गाय वो भी, ठीक है। हाँ जी राजन, मुझे बताइए लाइफ एमजी नरेगा, लाइफ एमजी नरेगा कि मनरेगा के बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए हमने तीन तरीके निकाले थे, एक था जियो एमजी नरेगा, एक था लाइफ। तो ये मुझे आप जियो के बारे में बता रहे हैं, लाइफ एमजी नरेगा। वो जियो है, जियो एमजी नरेगा, जियो से जियो टैगिंग, जियो टैगिंग से रिमोट सेंसिंग, वो उससे करना है। लाइफ एमजी नरेगा पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी ऑनलाइन में बताइए। यस, कौशलता को आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ जी, तो हाँ जी, सो बेसिकली क्या है कि डिफ़िकल्ट है ये याद करने, बहुत मुश्किल से याद होंगे। देखो
डिपेंड, देखो नहीं डिपेंड करता है आपका पढ़ने का तरीका क्या है, ये नहीं है कि लिखने से होगा, लिखने से टाइम भी चला जाता है, परंतु आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ के हो जाएगा, मतलब अपने आप को बोलते और समझाते चलो तो हो जाएगा। मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ गृह मंत्रालय, इसमें जो पहला आता है दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको हम नेट ग्रिड भी बोलते हैं। सो ये नेट ग्रिड क्या है, ये एक खुफिया ग्रिड है, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस से ये रिलेटेड है। कब आया था, 2009 में ये आया था। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक डेटाबेस बनाया जाएगा। आप सब जानते हो डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर डेटा इंक्लूड होता है, और वो डेटा किससे रिलेटेड होता है, सब चीज़ों से रिलेटेड होता है वो डेटा। तो वो डेटाबेस एक बनाया जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इस ऑनलाइन डेटाबेस को 10 उपयोगकर्ता जो एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो क्या कर सकती हैं, जिससे कि वो 21 संगठनों से प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, इन सूचना को यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब कब की है ये, 2009 की। अब क्यों हम उसको कर रहे हैं, कुछ हुआ होगा तभी कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कुछ हुआ होगा तभी हम कर रहे हैं। क्या हुआ है कि अभी टेलीकॉम, जो टेली कंपनीज होती हैं, टैक्स के रिकॉर्ड, बैंक और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, दो वर्ड बोले जाते हैं, ठीक है। अब जो दो वर्ड बोले जाते हैं वो क्या है, पहला बोला है इमिग्रेशन, ठीक है, दूसरा बोला जाता है माइग्रेशन। अब जो वर्ड है इमिग्रेशन, जब आप एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जाते हो, तो यहां मैं लिखूंगी एक देश, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जब जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, इमिग्रेशन। और जब आप एक ही देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, माइग्रेशन। तो ये दोनों का शब्दों का फर्क है। तो अब तो एक एक ही एरिया में एक से दूसरे में अगर माइग्रेट हो रहे हैं, इवन आप पाओगे कि जो पशु पक्षी होते हैं तो उनके लिए माइग्रेशन वर्ड ही यूज होता है, इमिग्रेशन सिर्फ मनुष्य के लिए, वो भी अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तब यूज किया जाता है। आप पाओगे कि कहीं कहीं ये शब्दों का भेद नहीं रखा जाता, कहीं माइग्रेशन को इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को माइग्रेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, परंतु आप इसको याद रखोगे। तो अब क्या किया गया है कि 21 संगठन में जो डेटा था उसमें अब टेलीकॉम का भी, टैक्स का भी, बैंक का भी, इमिग्रेशन का भी इंक्लूड हो चुका है, सम्मिलित हो चुका है। तो अब खुफिया जो एजेंसी है वो इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी प्राप्त कर सकती है, ठीक है, वो भी प्राप्त कर सकती है। अब आप लिखिए अपना होमवर्क, होमवर्क क्या है आपका, आपको बस याद नहीं करना, बस देख के आना है कि कौन सी वो 10 ऐसी उपयोगकर्ता एजेंसियां हैं जिनको की परमिशन होती है कि वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो प्राप्त कर सकती है। तो ये जो है आप रखोगे नेक्स्ट। अरे नहीं, इफ अगर आप इस तरीके से बोलोगे कि ईडी बीजेपी के अंडर है, हाँ, और अगर अगर नहीं, अगर आपके आईएएस बनने तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वही फिर आपके जो है कर्ता धर्ता बन जाएंगे, चाहे आप उनको इस टाइम पे कितना ही मजाक बना रहे हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हो। तो इसीलिए आपको तो हाँ नहीं, अगर हो ही जाएगा ऐसा फ्यूचर फिर तो हम बर्बाद ही हैं, देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निदान पोर्टल। अब आपको ध्यान देना होगा कि अब आपको सभी चीज़ों का निदान, सभी चीज़ों का समाधान कहाँ मिलता है? घर पे मिलता है। इसीलिए किसके अंडर आएगा? गृह मंत्रालय के अंडर। अब ध्यान दीजिएगा कि आप याद कैसे रखोगी, कोई भी ऐसा जो कि किससे रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा जो कि निदान या समाधान से रिलेटेड हो तो वो किसके अंडर आएगा? गृह मंत्रालय के अंडर आएगा, तो आप याद रखोगे। अब ये क्या और कोई ड्रग्स से रिलेटेड आता है ना, ड्रग्स जो है, तो वो भी किस में आ जाता है? गृह मंत्रालय में। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, निदान पोर्टल है क्या? निदान का आपको नेम याद रखना पड़ेगा, ये एक नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर, कि जो नार्को के ऑफेंडर हैं जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफेंडर कौन होते हैं? जो इनके अपराधी बोला जाता है। सो नार्को के जो अपराधी हैं वो जिनको अरेस्ट कर लिया गया है उनका हमें डेटाबेस बनाना है, ठीक है? तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसको कौन जो है वो देख मतलब इसका रख रखाव कर रहा होगा या देख रेख कर रहा होगा, वो है एनसीबी। अब याद करिए, एनसीबी आपने पहले पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे? बताइए कहाँ और कब। हाँ जी, दिस इज चैलेंज फॉर ऑल द ऑनलाइन एंड फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट। ओके, सो इफ आई एम सेइंग इट्स अ चैलेंज, ओके, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये चैलेंज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल को यूज़ करके कर सकते हो, तो फिर चैलेंज ही क्या हुआ? पढ़ाया हुआ है मैंने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ चैलेंज है। ड्रग्स का नहीं, एनसीबी पहले नाम आया है, किससे रिलेटेड है, क्या करता था, चलिए मैं नहीं बताऊंगी, ना ही आपको अभी देखना है, पर घर से देख के लेके आओगे, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। अब जो वो एनसीबी पहले मैंने पढ़ाया था वो अलग है, ये एनसीबी अलग है, ठीक है? वो जो मैंने पहले पढ़ाया था वो किस में था, कहाँ आया था, मैं नहीं बताऊंगी अभी, और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, ठीक है? अब कल कभी नहीं आता है। फिर देखिए, हिंट दूँ थोड़ा, पुलिस से रिलेटेड था वो। एनसीबी किसके अंडर आती है? सीबीआई के अंडर आती है, ठीक है? बट ये टॉपिक नहीं था हमारा, हमारा टॉपिक कुछ और था, चलिए उसको छोड़ दीजिए। वो क्या था? वो क्रिमिनल से रिलेटेड था, ठीक है? एनसीबी ये क्या है? ये एनसीबी दूसरा है। ये एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब कहीं पर एनसीबी वर्ड आ जाता है तो आप उसको जो वो वाला मैंने करवाया था, नेशनल क्रिमिनल जो ब्यूरो है वो मानोगे। नारकोटिक के लिए तो फुल नेम लिखा मिलेगा, तो इसीलिए कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? कन्फ्यूज मत होना कि ये कौन सा एनसीबी है, नारकोटिक वाला है कि क्रिमिनल वाला है। तो जहाँ खाली एनसीबी लिखा है वहाँ आप क्रिमिनल वाला ही मानोगे, नारकोटिक वाला नारकोटिक की फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब यहाँ क्या किया जाएगा, जो भी गिरफ्तार किए हुए हमारे नार्को अपराधी हैं उनका एक एकीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये है कि वो दोबारा, एक बार पकड़े जाने के बाद भी दोबारा से ये कर सकते हैं, दोबारा भी जो है उनको पकड़ा जा सकता है, दोबारा से वो अपराध कर सकते हैं, और जो नार्को में रिलेटेड होते हैं उनके जो संबंध होते हैं वो दूर दूर तक होते हैं, इस वजह से वो परेशान कर सकते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या रहेगा? इनका उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी नशीली दवाओं के अपराध हैं उनको, अपराधी हैं उनको हम गिरफ्तार करें एंड उनको जेल में डाल दें, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नशीले पदार्थ का ना तो उत्पादन हो, ना निर्माण हो, ना आयात या निर्यात हो। तो अब यहाँ आपको एक एक करके लिखना होगा। पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आप कनेक्टेड हो। दूसरा आता है क्या? अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से भी ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी ना हो, किसी भी पदार्थ के उत्पादन, उसके निर्माण, उसके आयात और उसके निर्यात में शामिल, ठीक है? सो इसमें क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उत्पादन, निर्माण, आयात और निर्यात, उसमें जो है शामिल है। अब आप ध्यान देंगे कि आपको घुमा कैसे सकता है यूपीएससी? यूपीएससी ऐसे बोल सकता है कि वो पर्सन इस काम में सम्मिलित था, क्या वो नार्को के अंडर आएगा कि नहीं आएगा,
तो अगर वो किसी भी तरीके से उसके उत्पादन में, उसके आयात निर्यात में वो सम्मिलित है तो वो इसके अंदर आएगा। अगला आ जाता है क्या महत्वपूर्ण, कि ये एनकोड, एनकोड बेसिकली क्या है, ये नारकोटिक का एक समन्वय तंत्र है जिसमें कि ये जो भी गृह मंत्री ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें कि हमें ये नेशनल जो मतलब निदान पोर्टल है वो किया जाएगा इंक्लूड। मतलब समझिए क्या कि एनकोड एक डेटाबेस सिस्टम था, उसके अंदर अब हमने निदान को भी बना दिया है, समझ रहे हो। सो एनकोड पहले से था, उसके अंदर अब आप निदान को भी ले आए हो, तो उसके अंदर अब निदान को ले आया गया है। अब ये जो निदान है ये एक डेटाबेस है, ये किस पर काम करता है, ICJS। ICJS किसको हम बोलते हैं, ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अब समझिए ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में हम एक सर्कल की तरह बना के रखते हैं, और इस सर्कल में जो भी ऐप है, जो भी किसी भी तरीके का ऑनलाइन ऐप हो गया या ऑफलाइन हो गया, तो इसमें सारे ऐप को इंक्लूड किया जाता है ताकि आपके पास डेटा मिल जाए। अब मानते हैं कैसे, मान लीजिए आपको किसी एक पर्सन को जो कि किससे रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड है, उस पर्सन का आप जानना चाहते हो कि वो इस समय जेल में है या वो खुला घूम रहा है या वो आपकी डिमांड के अंडर है कि आप उसको पकड़ना चाहते हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या करेंगे, ई प्रिजन मतलब कि जो भी जेल में है उनका डेटा कहाँ होगा, प्रिजन में एक ऑनलाइन ऐप में इंक्लूड किया गया होगा। दूसरा ई पुलिस, कि अगर वो जेल में नहीं पाया गया है तो वो कहाँ पाया जाएगा, पुलिस की या तो देखरेख में होगा, या तो पुलिस उसके पीछे होगी, या तो पुलिस उसको पकड़ने वाली होगी। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि अगर एक पर्सन मुझे पकड़ना है तो कहीं ना कहीं से मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन मिली मिल जाए, तो ऐसा जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये क्या है, ये एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। नेक्स्ट, ये साफ क्यों नहीं हो रहा है, उत्पादन, उसका निर्माण, उसका आयात और निर्यात। तो उत्पादन का मतलब होता है कि उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी सम्मिलित करेंगे, हाँ जी। सो डिस्ट्रीब्यूशन को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो अपराध है और जो आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क है उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसके आधार पर हम जो है इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ओके, जल्दी से मैं अगला भी करवा देती हूँ ताकि आपका हो जाए। अब आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की याद करिए, हमने कितनी ही स्कीम्स लिखी थी पिछले बार, श्रेयस, निष्ठा, याद है कि नहीं, नहीं 12 से 13 लिखे थे, वहां एक और लिख लीजिए युवा। युवा जो वर्ड बोला जाता है ये है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। हाँ जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आती है। यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ आपको याद रखना होगा ये युवा उबरते और, हाँ जी, उसको ये दोनों को नोट करेंगे आप, पीएम श्री वाला भी और ये भी, लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है, जो भी 30 वर्ष से कम आयु के हैं उससे हम क्या करेंगे, उससे हम देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसको नोडल एजेंसी कौन होगा, कौन इसको देख रख रखाव करेगा, नेशनल बुक ट्रस्ट, और यह इंडिया के एट 75 प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है, ये इंडिया के एट 75 प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आ जाता है क्या पीएम श्री, जिसको हम बोलते हैं क्या पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है कि हमें स्कूलों का विकास करना है, उनका उन्नयन करना है, तो पीएम स्कूल है ताकि स्कूल जो है वो हेल्प करे, हाँ जी, अपग्रेडेशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम
1450 से मतलब अधिक स्कूलों का तो किया भी जा चुका है। और हम क्या करते हैं कि एक स्कूल का विकास कर देते हैं, उसका अपग्रेडेशन कर देते हैं, देन उस स्कूल को बोलते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो बाकी के स्कूल है आप इतना उनको करिए अपग्रेड, उनके उनके सामने एक चैलेंज की तरह उनको बताइए कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, सर आपको शेड्यूल ऐसे बनाना है, आपको सिलेबस आदर्श बन के। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो विकसित विद्यालय है जिन्हें हम विकसित कर चुके हैं, वो अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को क्या करेंगे, परामर्श देंगे एंड उन्हें हेल्प करेंगे कि वो भी अपग्रेड हो जाएं उन्हीं की तरह। तो जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वो मैंने लिस्ट बनवाई थी, उसमें ये दो और ऐड कर लेंगे एंड मुझे बताएंगे राजन की उसमें कितनी है, 12 से 13 है कि 8 है घर पे? अरे 11 से 12 है, देखिए देव ने बता भी दिया है 12 है, ठीक है। सो दो और आप डाल लेंगे ये, हाँ जी, पीएम राइजिंग जो है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एंड इससे पहला वो वाला भी, ठीक है, इज इट क्लियर? सो उसके बाद ये फिर हम एक ये दो और करवा देती हूँ या कल करते हैं? चलिए कल करते हैं, कोई बात नहीं, बाकी का भी बड़ा है ना, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, जो मैं जल्दबाजी करूँ या नहीं वो अलग है। हाँ जी, बहुत बुरा लगा है मुझे, पता है क्या हुआ, शुरू में मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत सुनाया, मैंने शुरू की आपकी 2 क्लास ली थी, हाँ जी मैंने आपकी 2 क्लास ली थी, उस 2 क्लास में मुझे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इतने ज़्यादा ऐसे लगे ना कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हो, तो फिर मैंने हिंदी मीडियम वालों को बहुत सुनाया, मैंने कहा देखो, सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों को, कि देखो वो कितना अच्छे से करते हैं। अब यही सेम मैं पढ़ा रही थी, तो यही गैप उनका भी हुआ था, नहीं नहीं आलसी नहीं हूँ, मैंने ये देखा था आलसी नहीं है, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं वो कर, सब कुछ करने के चक्कर में जो है वो भी चला जाएगा।